hello everyone welcome to learn then code so in the last video of data structures and algorithm playlist in c++ we learned about sequence containers which are available in standard template library in c++ some of them are vectors array list forward list uh, deck etc and we learned about how to use them practically so i thought it's a good time to start with some algorithms and techniques also so can uh, so that we can use data structures and algorithms to solve some problems right so in this video i'll be covering about what are greedy algorithms what should be the thinking process while using them in a problem and what are some of the standard problems that comes under this category and in the next video i'll be solving some code chef and code forces problem which are related to sequence containers and greedy algorithms so let's get started with this video so greedy algorithms as the name suggests these are the type of algorithms that always make the choices which seems to be best at the moment so in this algorithms, we try to find the local optimal solutions and try to combine them together to find a global optimal solution. So basically, what do we do? let's say this is our given problem. This is our bigger problem. Iska me kuch optimal solution find out the problem statement. For example, we have to maximize profit. It is asked in the problem statement. अब हम क्या करेंगे हम इस प्रॉब्लम को डिवाइड करेंगे स्मॉलर प्रॉब्लम्स में एंड हम इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे एंड सॉल्यूशन सो दैट्स दैट्स द अप्रोच ऑफ प्रीडियल कोईटम हम हर सब प्रॉब्लम पर अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं विच इज नोन एज लोकल ऑप्टिमल सॉल्यूशन एंड उनको कंबाइन करके उन पीसेज को कंबाइन करके हम अपनी जो बेगर प्रॉब्लम है उसका ग्लोबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं तो दिस इज अ बेसिक फंडा ऑफ ग्रीडियल नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सम आल्सो व्हिच आर रिलेटेड टू ग्रीडियल ग्वाइथम द फर्स्ट वन इज योअर ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन ज द फंक्शन जिसे आपको सोल्व करना होता है इट इजेक्टिव ऑफ योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर एग्जाम्पल आपको किसी चीज़ को अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ऑप्टिमाइज करने के लिए बोला होगा बेसिकली तो जिस चीज को आपको ऑप्टिमाइज करने के लिए बोला गया है दिस, जिस फंक्शन को आपको ऑप्टिमाइज करने के लिए बोला गया है दैट इज नोन एज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर एग्जाम्पल लेट से आपको आपको एक जॉब क्वेंस गिवन है एंड आपको बोला हुआ है कि इस जॉब को कम्प्लीट करने पर आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा एंड जो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसमें आपको फिर गिवन होगा कि uh, आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट मैक्सिमाइज तो दिस इज अक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम विच कम्स अंडर ऑप्टेमाइजेशन प्रॉब्लम ओनली तो इसमें हमारे जो ऑप्टेमाइजेशन फंक्शन होगा और जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा दैट विल बी योर प्रॉफिट सेकेंड थिंगीजिबल सॉल्यूशन फिजिबल सॉल्यूशन फिजिबल का मतलब होता है पॉसिबल पॉसिबल सॉल्यूशन सो दैट मीन्स

अब हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है दैट इज सेइंग अस कि हमें मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करनी है अपनी स्टार्ट से लेकर डेस्टिनेशन तक की जर्नी के लिए अब इसमें फीजिबल सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं फीजिबल सॉल्यूशंस आर ऑल दो सॉल्यूशन जो हमें मिनिमम कॉस्ट दे सकते हैं दे आर नॉट द आंसर ऑफ आर प्रॉब्लम स्टेटमेंट बट दे कैन बी तो अब इसमें फीजिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है ये वाला पाथ हो सकता है ये वाला पाथ हमें मिनिमम आंसर दे रहा हो देगा या नहीं वी आर नॉट सेइंग इट इट बट एज इज मूविंग फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन सो दिस कैन बी वन ऑफ द आंसर द सेकंड पाथ इज ऑफ कोर्स दिस वन एंड द थर्ड इज दिस तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के थ्री फीजिबल सॉल्यूशन है बट जो आंसर होगा मिनिमम कॉस्ट वो खाली एक होगा विच इज द मोस्ट ऑप्टिमल ऑफ ऑल द फिजिबल सॉल्यूशन एंड इस केस में हमारा सेकेंड पार्थ मोस्ट ऑप्टिमल है सो so इसके साथ ही हमारा थर्ड थर्ड क्या टर्मिनोलॉजी आई आर ऑप्टिमल सोल्यूशन विच इज बेसिकली दंसर ऑफ आर प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिनिमाइज कॉस्ट मैक्सिमाइज प्रॉफिट मिनिमाइज रिस्क तो इन सबका जो आंसर होगा विच इज योर ॉजीज so हमें सबसे पहले अपने वो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम ही होती है उसमें आपको या तो किसी चीज को मिनिमाइज करना होगा मैक्सिमाइज करना होगा या बेसिकली ऑप्टिमाइज करना होगा सो उन्ही केसेज में हम ग्रीडियर को यूज करते हैं सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड आर ऑब्जेक्टिव फंक्शन से हम चूज करते हैं ग्री डी की हमारा आंसर क्या होना चाहिए सो दी कैन ऑप्टिमाइज आर ऑब्जेक्टिव फंक्शन सो दीज आर देशिक फंडाजी डी एल ग्वाइथम अब इन्हें समझने के लिए वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ दॉब फर्स्ट एंड उसके बाद हम मूव मूव ऑन करेंगे टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम सो दर्स्ट प्रॉब्लम इसमें भी दो टाइप की एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम हम डिस्कस करने वाले हैंजी वन सो इसमें आई एम गिविंग यू एन आरस आई एम से आपके पास एन आरस है एंड आपको इन एन आरस में सबसे ज्यादा टास्क परफॉर्म करने हैं आई विल गिव यू टास्क एंड आई एम कि एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा इन आर्स एंड आई एम आस्किंग यू कि आप इन आर्स में कितने ज्यादा टास्क कंप्लीट कर सकते हो लेट से अभी मेरे पास फोर टास्क अवेलेबल है वन टू थ्री फोर फर्स्ट कंप्लीट करने के लिए टू आर्स लगते हैं सेकेंड आर्ट को कंप्लीट करने के लिए वन आवर थर्ड को सिक्स एंड फोर्थ को थ्री लेट से आपके पास फाइव आर्स है एंड आपको इन टास्क में से बताओ कितने ज्यादा आप टास्क परफॉर्म कर सकते हो सो थिंकिंग प्रोसेस क्या होगा इट्स नेचुरल कि आप सबसे पहले उस टास्क को कैच करोगे उस टास्क को पिक करोगे जिसको करने में सबसे कम टाइम लगता है राइट एंड एंड टू नोट हेयर आप पैरलाइजेशन नहीं कर सकते दैट मीन्स फॉर वन एट वन टाइम यू कैन ओनली परफॉर्म वन टास्क So this is another constraint. तो इस केस में हम क्या करेंगे इस केस में हम उस टास्क को पिक करेंगे जिसे परफॉर्म करने के लिए सबसे कम टाइम लगता है टास्क एंड उसे हम असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर लेंगे तो अब हमारा एरे क्या बन जाएगा दीज आर टास्क एंड दिस इज टाइम सबसे पहले हम इस सेकेंड टास्क को पिक करेंगे क्योंकि इसका टाइम सबसे कम है तो टू देन हम चूज करेंगे देन हम चूज करेंगे फर्स्ट वन देन द फोर्थ वन एंड देन द थर्ड वन राइट right? ये हमारा सॉर्टिंग के बाद आ आ जाएगा अब इसको हम एक एक करके पिक करते जाएंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी सॉर्ट कर लिया है तो सबसे कम टाइम जो टास्क ले रहा होगा वो हम पिक करते जाएंगे चेक करते हुए कि क्या हमारे पास

कंप्लीट कर लूंगी हमारा ये वाला टास्क भी कंप्लीट हो गया अब पे तो मैं इसे complete नहीं कर सकती, मैं इसे इसे नहीं नहीं कर कर सकती एंड कोर्स जो हमारा एरे है वो सॉर्टेड है दैट मींस इसके बाद वाले जितने टास्क होंगे मैं उन्हें भी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ टास्क आई कैन कंप्लीट इन किया, हमने सबसे पहले उस टास्क को पिक किया जिसे कंप्लीट करने के लिए सबसे कम मार्क्स लग रहे हैं दिस इज वन टाइप ऑफ एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम द सेकेंड टाइप कैन बी जहां पे आपको टाइम ना दे के आपको स्टार्ट एंड फिनिश टाइम दे रखा है आपको ड्यूरेशन ना देके कि एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए कितना ड्यूरेशन लगेगा आपको उसका स्टार्ट एंड एंड टाइम गिवन है फॉर एग्जाम्पल लेट से आपके पास थ्री टास्क है दिस इज द स्टार्ट टाइम दिस इज द फिनिश टाइम एंड दिस इज द आइडिया ऑफ योर टास्क आपको थ्री टास्क गिवन है

फिनिश के बेसिस पर शॉर्ट करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर फिनिश के बेसिस पर शॉर्ट करेंगे क्योंकि इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि कौन सा ऐसा टास्क है जो सबसे जल्दी खत्म हो रहा है सो दैट वी कैन पिक द नेक्स्ट टास्क सो अगेन हम ग्रीडिली इसमें अप्रोच कर रहे हैं सो so एज सो एज वी कैन सी कि यहाँ पे जो हमारा एरे है वो ऑलरेडी सॉर्टेड हमें गिवन है फिनिश टाइम के बेसिस तो सॉर्टिंग के बाद भी सेम ही हमारा आंसर आएगा तो इसमें हम कैसे पिक कर सकते हैं वी विल से ठीक है यार फर्स्ट जॉब से स्टार्ट करते हैं इसका जो फिनिश टाइम है दैट इज ट्वेंटी क्योंकि हम यही यही सबसे पहले पिक कर सकते हैं हमने पहले सॉर्ट कर दिया है तो ठीक है हमने फर्स्ट टास्क को पिक किया एंड मैं ऑलरेडी ट्वेंटी ट्वेंटी टाइम पर आ चुका हूँ दैट मीन ऑल द जॉब्स जो इससे पहले स्टार्ट हुई होंगी उन्हें मैं पिक नहीं कर सकता राइट उन्हें मैं पिक नहीं कर पाऊंगी तो अब ये वाला टास्क हमने कंप्लीट कर लिया बट बिकॉज़ ऑफ दिस आई कैन नॉट पिक सेकंड टास्क क्योंकि इसका जो स्टार्ट टाइम था वो 12 था एंड मैं ऑलरेडी 20 पर पहुंच चुकी हूं नाउ आई विल लुक टू द नेक्स्ट टास्क जो स्टार्ट हो रहा हो या तो 20 से या उसके बाद से एंड सबसे जल्दी खत्म हो रहा हो तो उस कैटेगरी में आई ओनली हैव वन टास्क अवेलेबल स्टार्ट हो रहा है एंड थर्टी पे खत्म हो रहा है तो एग्जाम्पल so लेते हैं थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए दिस इज योर जॉब आईडी दिस इज योर स्टार्ट दिस इज योर फिनिश एंड इसे क्लियरली समझने का ट्राई करो कि हम फिनिश के बेसिस पे क्यों कर रहे हैं बिकॉज हम चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी अपने टास्क कंप्लीट करें सो देट वी कैन मूव टू टास्क। तो अब इसमें हमारा क्या है लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल द स्टार्ट इज वन टू देन थ्री फोर जीरो सिक्स फाइव सेवन एट एंड तो छह टास्क हमें गिवन है छह जॉब्स हमें गिवन है एंड हमें ट्राई करना है कि हम सबसे ज्यादा जॉब्स कंप्लीट कर पाए तो अगेन ये ऑलरेडी मैंने सॉर्टेड ऑर्डर में लिया है तो हमें सॉर्ट ना करना पड़े अगर ये सॉर्टेड में नहीं है तो पहले आपको सॉर्ट करना पड़ेगा बेस्ड ऑन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फिनिश टाइम ओके सो दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया जो आपको सबसे पहले करना है सो so दैट आप सबसे एफिशिएंट वाले टास्क को सबसे पहले पिकअप कर पाओ नाउ हम सबसे पहले जाएंगे फर्स्ट टास्क पे। वी विल से कि ठीक है यार फर्स्ट टास्क हमने कंप्लीट कर लिया एंड अब मैं अपने फिनिश टाइम पर हूँ खाली वो टास्क पिक कर सकता हूँ जो इस फिनिश टाइम के बाद स्टार्ट हुए We will see कि है, इसका था एंड सेकेंड टास्क का हमारा स्टार्ट टाइम थ्री है तो दैट मीन्स So that means मैंने अपने सेकेंड टास्क को भी कम्पलीट कर लिया एंड अब जो end date है and finish time है जहाँ पे मैं अभी हूँ चूज नहीं कर सकती क्योंकि वो जीरो पे स्टार्ट हुआ था सो थर्ड कैंसिल नाउ क्या मैं फोर्थ चूज कर सकती हूँ हाँ क्योंकि मैं अभी करंटली फोर पर हूँ एंड इसका जो स्टार्ट टाइम है वो फाइव है तो मैंने ये टास्क पिक किया एंड मैंने फोर को कंप्लीट कर लिया अब मैं किस एंड टाइम पर हूं अब मैं चेक करूंगी सेवन के बाद कौन सा टास्क स्टार्ट हुआ है सो so सेवन के बाद एट स्टार्ट हुआ है सो so अगेन यहाँ पे मैंने एट इस इस टास्क को पिक किया एंड मेरी जो एंड डेट है जहां पे मैं अभी हूँ एंड टाइम है दैट इज नाइन विल चेक क्या मैं इसे पिक कर सकती हूँ इसका स्टार्ट टाइम फाइव था आई एम एट ऑलरेडी एट नाइन सो आई कैन नॉट

जिसमें आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है द डेडलाइन ऑफ द जॉब कि आपको इस डेड लाइन से पहले या इक्वल तक ही अपनी जॉब्स को कम्प्लीट करना है एंड सेकेंड थिंग इज प्रॉफिट फॉर एवरी जॉब सो योर एरे विल लुक लाइक दिस इट विल हैव थ्री कॉलम्स फर्स्ट इज योर जॉब आई डी सेकेंड इज डेड लाइन एंड थर्ड विल बी योर प्रॉफिट एंड आई होप यू कैन गेस कि इसमें हमारा ऑप्टमाइजेशन फंक्शन क्या होगा सो so इसमें हमें uh, हमें ट्राई करना है कि अपने प्रॉफिट को हम मैक्सिमाइज करें एंड अगेन इसमें भी पेरलाइजेशन नहीं है दैट मीन्स यू कैन डू ओनली वन जॉब एट वन टाइम सो लेट सी हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग एन एग्जाम्पल वी है फोर वन 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 एंड ट्वेंटी टेन फोर्टी थर्टी सो दिस इज आर गिवन इनपुट अब सबसे पहले हमें सोचना है कि यार ठीक है मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करनी सो आई विल ट्राई टू पिकअप दैट जॉब जो जल्दी से जल्दी खत्म हो रहा है बट स्टिल मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है राइट right? क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट देखो दो चीजों पर डिपेंड करता है फर्स्ट इज कि आप कितनी ज्यादा एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं एंड वो सारी एक्टिविटीज कितनी वैल्यूएबल है कितनी प्रॉफिट एड कर रही है आपके आंसर में तो इसके लिए हम क्या देखेंगे हम देखेंगे कि सेम डेडलाइन के अंदर जितने भी टास्क हैं उनमें से सबसे बेन, सबसे बेनिफिशियल कौन सा टास्क है फॉर एग्जाम्पल टास्क इन सबकी डेडलाइन लाइन वन है एंड हम पेरलाइजेशन नहीं कर सकते सो वी चूज ओनली वन टास्क फ्रॉम ऑल दीज थ्री सो हम इनमें से कौन सा पिक करेंगे दिस वन क्योंकि इसका प्रॉफिट सबसे ज्यादा है अब हमें पता चल गया कि यार डेडलाइन वन तो मैं रीच कर चुकी हूँ अब इसके आगे क्या कौन कौन से टास्क है जो मैं परफॉर्म कर सकती हूँ आई कैन सी देर इज ओनली वन टास्क अवेलेबल आफ्टर डेड लाइन सो उसके बाद मैं इस टास्क को परफॉर्म कर दूंगी एंड इसका जो प्रॉफिट होगा वो मुझे मिल जाएगा सो द आंसर विल बी फोर्टी प्लस ट्वेंटी तो इसकी जो ग्रीडी अप्रोच है इट इज लिटिल डिफरेंट क्योंकि इसमें हमें क्या चेक करना है इसमें हमें डेडलाइन की बेसिस पर ग्रुप्स बनाने हैं पहले

डेडलाइंस के बेसिस पर पहले मैंने ग्रुप्स बनाए दैट इज माय सब प्रॉब्लम नाउ एंड उनके मैंने मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करे उनमें से मैंने सबसे प्रॉफिटेबल जो जॉब है उसे पिक करा सो दैट्स हाउ मैंने सबको कलेक्ट करके सारे सॉल्यूशंस को कलेक्ट करके अपना ग्लोबल ऑप्टिमल फाइंड फाइंड आउट करने का ट्राई किया सो दिस इज माई जॉब सिक्वेंसिंग प्रॉब्लम ये भी काफी इजी प्रॉब्लम में ही काउंट होता है बट अगेन इट्स अ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम सो बिफोर मूविंग अहेड विद वीडियो आई वुड लाइक टू शेयर यू आर वेरी इंपॉर्टेंट इन information which is the application of full stack development course provided by newton school is open now so you can click on the apply now button to enroll that course or you can check out the link which is available in the description also you can use that link also to enroll in this full stack development course so they will provide you mentors from mnc's like google microsoft adobe amazon and many big firms so you will get the right opportunity to connect with right people who will not only help you to structure your tech career but also will help you to understand the current market requirement so it's a great way to connect with the like minded people and to get the best out of it so what you are waiting for definitely you should check out this uh, amazing course now the next standard problem that we are going to discuss is minimum product subset of an array minimum product subset of an एरे नाउ अगेन ये हमारा एक एरे का क्वेश्चन है सो दैट इज वाई आई पिक अपट एरे की भी हमारे साथ में थोड़ी प्रैक्टिस होती रहे नाउ द प्रॉब स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन सेज दैट यू आर गिवन एन एरे हमें एक एरे गिवन होगा जिसका इनपुट में पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो किसी भी टाइप के नंबर्स आ सकते हैं एंड देन वी विल हैव टू फाइंड द मिनिमम प्रोडक्ट

जरूरी नहीं है हम ऑर्डर को मेनटेन करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एनी पॉसिबल एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट सो थ्री कैन बी देंसर नाउ फोर फाइव कैन बी दी आंसर वन टू थ्री कैन बी दी आंसर सो ऑल दीज आर सबसेट बट बट इनमें से सब कौन से होंगे सब सीक्वेंस विल ओनली बी दो सबसेट जिनका रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन्ड है फॉर be बट सब एरे इनमें से कौन कौन से होंगे सब एरे सिर्फ कंटिन्यूस पॉसिबल है फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम एक कॉल ले लें वन फोर फाइव तो ये हमारा सबसेट तो होगा बट ये सब एरे नहीं होगा सब एरे खाली कंटिन्यूस हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल ये एक सब एरे है ये एक सब एरे है दिस इज ऑल्सो अगेन सब एरे सो सब एरे हैज टू बी सब सीक्वेंस हैज टू बी इन रिलेटिव ऑर्डर कंटिन्यूसिक्वेंस है कॉम्बिनेशन सो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है फाइंड द मिनिम प्रोडक्ट सबसेट ऑफ द गिवन एरे सबसेट का मतलब हम कोई भी एलिमेंट को पिक कर सकते हैं ना अब इसका जो सोल्यूशन होगा इफ यू कैन थिंक ऑफ हमें एक नंबर को मिनिमाइज करना है एक नंबर को मिनिमाइज करने के लिए वो नंबर किन तीन कैटेगरीज में आ सकता है? अगर हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करें दिस इज जीरो दिस इज आर नेगेटिव साइड एंड दिस इज पॉजिटिव साइड सो अगर हमारा आंसर पॉजिटिव साइड पर लाए कर रहा है तो मिनिमाइज करने के लिए हमें क्लोजेस्ट टू जीरो को फाइंड आउट करना है राइट कि मतलब साइन हमारा पॉजिटिव रहे एंड ये वैल्यू जो हो ये मिनिमम हो राइट बट अगर हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव साइड पे फॉल कर रहे तो हमें अवे फ्रॉम जीरो जाना पड़ेगा बिकॉज साइन हमारा नेगेटिव है तो इसके साथ जो भी मैग्नेट्यूड होगा वो जितना मैक्सिमम होगा हमारी ओवरऑल वैल्यू उतनी ज्यादा मिनिमम होगी राइट right? सो so ये तो हो गई दो कैटेगरीज एंड थर्ड इज ऑफकोर्स जीरो इफ द आंसर इज जीरो दैट वो तो फिर कोई पॉइंट ही नहीं रहा

में से किस कैटेगरी में फॉल करता है हमें काउंट करना पड़ेगा कि कितने हमारे एरे में जीरो अवेलेबल हैं कितने नेगेटिव वैल्यू अवेलेबल हैं एंड कितनी पॉजिटिव वैल्यू अवेलेबल है इस एरे में नंबर ऑफ जीरो वैल्यूज आर जीरो नंबर ऑफ नेगेटिव वैल्यू आर थ्री एंड नंबर ऑफ पॉजिटिव वैल्यू आर टू अब हमें ये दिख रहा है कि नेगेटिव वैल्यूज का जो काउंट है वो ऑड है स अगर इन तीनों नेगेटिव वैल्यूज को मैंने मल्टीप्लाई किया तो पॉसिबिलिटी है कि जो मेरा आंसर होगा वो निगेटिव आएगा एंड अगर हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है तो ये चीज तो क्लियर हो गई की हमारा आंसर जीरो कभी नहीं होगा मतलब हम चूज नहीं करेंगे कि जीरो हो क्योंकि हमारे पास एक आंसर अवेलेबल है जो नेगेटिव हो सकता है एंड ऑफकोर्स पॉजिटिव को भी हम चूज नहीं करेंगे बिकॉज हमारे पास इससे मिनिमम वैल्यू अवेलेबल है सो so, ये क्लियर हो गया कि हमें आंसर जो है वो नेगेटिव मिल सकता है क्योंकि वो हमारी ऑड है तो हम सिंपली क्या करेंगे इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे सो दैट हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम हो हम सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बट स्टिल द आंसर इज नेगेटिव बिकॉज द काउंट ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑड नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल जिसमें हमारी जीरो वैल्यू भी होगी

हम टू में से खाली एक नेगेटिव नंबर को चूज करेंगे सो देट हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव हो राइट right? अगर हमने दोनों को एड दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमारा आंसर पॉजिटिव हो जाएगा एंड विल अफकोर्स नॉट बी द मिनिमम वन सो हम क्या करेंगे इंस्टेड ऑफ टू हम इसका जो सबसे सबसे कम मैग्नीट्यूड वाला नंबर होगा उसे नेग्लेक्ट कर देंगे सो so दैट हमारे पास जो आंसर बचे वो नेगेटिव भी हो

हमें पता चल गया कि यार हमारा आंसर नेगेटिव है अब हमें उस नेगेटिव वैल्यू के मैग्नीट्यूड को मैक्सिमाइज करना है हम क्या करेंगे सबसे पहले इस नेगेटिव वैल्यू के अंदर जो भी मेरा वो एलिमेंट होगा जिसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है उसे पिक करूंगी तो विच इज वन तो मैंने माइनस वन को पिक किया उसके बाद मुझे पता है यार आंसर तो मेरा नेगेटिव बन चुका है अब आई हैव टू जस्ट मेक श्योर कि मैं अपने जो मैग्नीट्यूड है उसे इंक्रीज कर लूं एंड हाउ कैन वी डू दिट दैट जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होंगे उन सबको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी साथ में सो दिस कैन बी आर आंसर तो हमने क्या किया हमने अपने आंसर को नेगेटिव बनाने का ट्राई किया इफ इट इज पॉसिबल एंड उसके मैग्नीट्यूड को ग्रीडीली सबसे ज्यादा कर दिया इन केस ऑफ नेगेटिव बट लेट से अगर यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स होते ही ना वन टू जीरो फोर फाइव तब क्या आंसर होता अब हमें पता चल गया यार नेगेटिव तो मैं बना ही नहीं सकती पॉजिटिव फोर है एंड काउंट ऑफ जीरो आंसर हमें पता है कि यार जीरो अवेलेबल है नेगेटिव में बना नहीं सकती तो द लीस्ट वैल्यू आई कैन हैव इज जीरो ओनली तो आंसर क्या हो जाएगा जीरो अगर यहाँ पे हम जीरो भी हटा दें दिस इज द लास्ट केस दैट वी कैन हैव काफी सिंपल है फिर तो हम सिर्फ एरे को सॉर्ट करेंगे सॉर्ट की भी जरूरत नहीं है बेसिकली एरे का जो मिनिमम होगा होगा वही हमारा आंसर क्योंकि हम जितना अपने एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर, करते रहेंगे एक साथ उतना जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज होता रहेगा एंड इन केस ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज जिस वैल्यू का मैग्नीट्यूड सबसे कम है वही हमारी लीस्ट वैल्यू होती है सो दैट इज वाई इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा वन ओनली सो दीज आर सम ऑफ द केसेस जो हमें ध्यान रखने हैं बेस्ड ऑन दी आंसर दैट वी कैन हैव अगर वो नेगेटिव वैल्यू है तो मैग्नीट्यूड को ज्यादा करने का ट्राई करना है अगर वो पॉजिटिव वैल्यू है तो मैग्नीट्यूड को कम करने का ट्राई करना है एंड अगर जीरो अवेलेबल है uh, हमारे एरे में और हम अपने सॉल्यूशन को नेगेटिव नहीं कर सकते तो आंसर विल बी जीरो ओनली सो दिस इज अगेन अ ग्रीडी एलकोइथम यहाँ पे हमने ग्रीडीली अपने एलिमेंट्स को चूज करा जो हमें अपने सबसेट में डालने हैं एंड देन वी फाइंड द मिनिमम प्रोडक्ट ऑफ द सबसेट सो हमने आज की वीडियो में तीन प्रॉब्लम्स को डिस्कवर किया है फर्स्ट इज एक्टिविटी सिलेक्शन जिसके हमने दो टाइप्स देखे देन जॉब सीक्वेंसिंग एंड देन मिनिमम प्रोडक्ट ऑफ सबसेट